हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रंच कैफ़े। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला और बहुत ही झटपट से बनने वाले रायते की रेसिपी। गर्मियाँ चल रही हैं और डेली जो है हम रायता बनाते हैं, तो डेली एक रायता बनाकर हम बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट से रायते की रेसिपी, जो कि है आलू का रायता, और ये बहुत ही ईजीली बन जाता है। तो चलिए बिना देरी के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोटैटो लिए हैं 2 मीडियम साइज़, और इन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और इसे एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है। वाटर हमें इतना ऐड करना है कि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। बेसिकली हमें इसे बॉयल करना है। तो यहाँ पर आलू बॉयल हो गए थे, उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब्स में मैंने इसे इसलिए कट किया है ताकि ये बहुत जल्दी से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर पोटैटो हमारे बॉयल हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो कर्ड है वो ले ली है, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम कर्ड जो है वो ले ली है, और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसके अंदर एक भी जो लम्स है वो नहीं रहे। तो इसे यहाँ पर मैं विस्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो कर्ड है, हमारी जो दही है, वो अच्छे से विस्क हो चुकी है और इसके अंदर एक भी लम्स नहीं है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, जो कि है 1 टीस्पून। साथ ही मैंने यहाँ पर रेड चटनी जो है वो ऐड करी है। इसके अंदर यहाँ पर मैंने रेड चिल्ली और जो क्लव्स होते हैं गार्लिक के, उन्हें ऐड कर दिया था, और इसे जो है हमने ग्राइंड कर लिया था। सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड किया था थोड़ा सा। तो ये वाली चटनी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। अगर आपके पास ये चटनी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर मैंने पोटैटो जो है वो मैश कर लिए हैं। इसे हमें बिल्कुल स्मैश नहीं करना है, थोड़ा सा इसे मोटा ही रखना है, और इसको भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, क्योंकि ये काफ़ी थिक था, तो इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर इसका जो तड़का है वो हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने, तड़का पैन, और उसके अंदर मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड ऐड कर दिए थे, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने पकाया है। उसके बाद इसे हमने अपने रायते के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये मज़ेदार सा टेस्टी रायता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर से मैंने ड्राई कोरिएंडर जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। इस मज़ेदार से टेस्टी आलू के रायते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के और चपाती के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।